भाई बस सही बता रहा हूँ, मतलब भाई लाडले ने ना ठान लिया कि भाई ये ना मुझे चैन नहीं लेने देगा भाई, लाडले को पसंद ही नहीं है मैं थोड़ी देर भी खाली बैठू, मतलब मेरा चैन लूट लिया है भाई इस बंदे ने। अब बताओ गुड़गामा में गैंग वॉर हो गई भाई, किसी गैंगस्टर ने मेरी थार तोड़ दी और धमकी दी भाई। जब एक गैंगस्टर दूसरे गैंगस्टर की गाड़ी तोड़ के जाएगा तो उसे गैंग वॉर ही तो बोलेंगे। राजू तो चला गया, एक बहन जी आई है अब ये खाना बनाती है। कैसे हो बहन जी? ठीक हो? है यार, मतलब जैसे इस बंदे ने बहन जी को देख के ऐसे कहा ना आए, बहन जी ने ना मनी मन में अपनी चुन्नी ऊपर कर ली भाई। राज हमारे घर में चार कुक बदल गया भाई, इन हरकतों की वजह से इसके यहाँ पे चार कुक चेंज हो गए। उन्हें डर लगता होगा ना भाई अपनी इज्जत का, भाई ऐसी बदमौज छोरा ही चोर। भाई टाइटल में तो भाई ने गैंगस्टर लिखा हुआ था, मतलब गैंगस्टर से सीधा चोर। भाई गौलब भाई इतना भी गंदा डिमोशन मत किया करो यार किसी का, मतलब बंदूक और असली से सीधा ताला चाबी वाला बना दिया बंदे ने उस बंदे को। ये वाला शीशा है 8,000 रुपए का। अपन कुछ खाने के लिए रुके हैं भाई, कब से खा रहे हो? मैं भाई जब से पैदा हुआ था खा रहा हूँ। भाई यार अब पता चला ना भाई ऐसी हरकतें क्यों रहती है गौलब भाई, क्योंकि टाट में तो कच्चा मैदा जमा हुआ है। चटपटा चटपटा भाई इस बंदे ने ऐसे बोला उसको, चटपटा चटपटा, जैसे कि भाई उस बंदे ने अगर हल्का फुल्का ही फीका दे दिया ना इसको तो ये उसकी गुद्दी पीट देगा। चटपटा एक तो भाई इस बदमाश उसके सामने ना कोई बंदा चैन से कुछ खा भी नहीं सकता, इसका कीड़ा उछल जाता है ना भाई चिल्लाने वाला। तो गाइज अभी मैं आ गया अपनी गाड़ी का काम कराने, बाबा मोटर्स मल्टी। अमित जी बस इतना करना कोई मेरा नाम लेके आया ना तो उसकी गुद्दी पर 2 रैपटे रखना और बोलना निकल भैंस की एक तेरी फ्री के लंगर। उनकी सिस्टर की शादी है तो भाई अपने को तो जाना बहुत जरूरी है। पहन के जा रहे थे आज, आप ही के जल्दी निकल लेंगे ठीक है। भगवान यार मेरी विनती है मतलब किसी को इतना मजबूर मत बनाना कि उसे शादी में भी ना टोपी पहन के जानी पड़े, वो भी उल्टी करके। देखो शादियों में ना हम शर्म नहीं करते, हम छीन के खाते हैं। शर्मा शर्मी में रह जाएंगे भाई। ये क्या है भाई शर्मा शर्मी में रह जाते हैं भाई, तू शादी में आए भंडारे में तोड़ना है। जो लोग तेरे से पत्तले छीन छीन के अपनी पत्तले पूड़िया डलवाएंगे भाई आराम से खा ले भाई, कोई नहीं छीन रहा तेरे से। भाई बिगेस्ट फैन है, बिगेस्ट फैन भाई। लास्ट वीडियो कौन सी डाली थी? मैंने देखी नहीं है भाई, ये भाई का बिग नहीं बिगेस्ट फैन था, बिगेस्ट फैन भाई। यार लाडले के लिए जस्टिस चाहिए मुझे भाई, ये मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है बंदों का लाडले के साथ। लड़की टैटूए पीछे बंदा इतना गंदा आया, पूरा हाथ गीला खाने में। हाय गौरव भाई कैसे हो? मेरे को ही मिलाना पड़ेगा भाई। यार मुझे इस समय उस बंदे पे इतना तरस आ रहा है ना जो इससे मिलके इतना खुश हो गया था। अरे गौरव भाई आप, और इधर गौरव भाई क्या करे की भाई ये बंदा इतना गंदा था ना भाई, मतलब हाथ पूरे गीले हो रखे थे इसके, मतलब यार मतलब मुझे भी हाथ मिलाना पड़ा यार इससे। कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग, और बंदे ने बाकायदा अपने व्लॉग में डाल के लाखों लोगों को दिखा दिया भाई ये सब। तभी कहते भाई ऐसे बंदों का जिगर का छल्ला बनने से पहले भाई सावधान रहे, सतर्क रहे। सो गाइस अभी अपन आ गए हैं सीसीटीवी देखने। ओ मम्मी ये देखो देखो देखो, स्कूटी पे आए दो लोग, पत्थर उड़ा के भागा, पत्थर उठा के भागा। अब देखो तुम्हें प्रिटेंड करना है कि तुम्हें पता नहीं है भाई स्कूटी किसकी है और स्कूटी में ये बंदे कौन है। भाई गौरव भाई के घर में नहीं है भाई ऐसी स्कूटी, ये भाई कोई चोर वोर ही आए थे या कोई गैंगस्टर आया था स्कूटी पे। सोच रहे हो गैंगस्टर कितने तगड़े तगड़े हो रहे हैं, स्कूटियों पे हाँड रहे हैं भाई। और अगर भाई किसी ने ये बोलते है कि स्कूटी पे गौरव भाई का भाई बैठा हुआ है उसके तो भाई इतनी थूत बजाऊंगा ना, इतनी थूत बजाऊंगा। कुछ कर रहा था, कुछ रख के गया या कुछ तोड़ के गया क्या है। अभी ब्लॉग लंबा हो रहा है तो वाला मैं कल वाले ब्लॉग में डालूंगा पार्ट की, उसमें क्या मिला मेरे को क्या। तो भाई कल आपने देखा अपन ने सीसीटीवी फुटेज चेक करी, उस बंदे ने मेरी गाड़ी में कुछ पर्चा रखा, लेके आएंगे और पर्चा और देखते हैं कि उस बंदे ने क्या लिखा। मुझे कुछ फालतू नहीं बोलता, वैसे तो बोलते हो फालतू तो है ही यार, फालतू बोलने की चीज ही है यार। क्योंकि फिर मैं क्या कर रहा है भाई यार, मतलब कोई बंदा उसके मुंह पे ही बोल रहा है कि भाई तू तो है ही फालतू बोलने की चीज, कोई बंदा पीछे से आके उसके कच्चे उतार रहा है। भाई यार थोड़ा तो तरस खा लो यार बाबू पे यार, यार इतना भी शोषण मत किया करो बाबू का यार। अब मतलब तुम्हारा बाबू है तो मतलब कुछ भी कर दोगे तुम उसके साथ। पहले खाना खाऊंगा, उसमें एक देखेंगे क्या छोड़ के गया बंदा वो लेटर में। ये क्या बनवाया आपने? भाई आंटी ने एक पैसे की इम्पोर्टेंस नहीं थी इस बंदे की बात को, मतलब एक पैसा क्या होता है ना, एक पैसे की नहीं थी। अरे मम्मी वो देखेंगे ना वो चिट्ठी में क्या लिख के आए मम्मी, है ना मम्मी। अरे मम्मी 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 सुन तो लो मम्मी। अरे यार ये तो बेइज्जती हो रही है, चलो चलो छोड़ो। अब बेइज्जती बचाने के लिए सब्जी के बारे में पूछा था, अरे सब्जी में क्या बना दिया यार मम्मी। अरे यार मम्मी पत्ता गोभी खाता हूँ क्या मम्मी, फिर भी आप बनवाती बनवाओ। बाहर ही खा लिया ना तो बाहर नहीं, ये सेंस है कि एक बार कमेंट बताओ मम्मी ने कुछ कमेंट में। सब्जियों में यही होती है, अच्छी होती है सब्जियाँ, दिमाग खराब कर रहा है क्या भाई। यार आंटी ने अपने गोलब बोधमास की इतनी गंदी बोधमासी खिंडाई है ना इस समय, मतलब भाई अगर मैं होता ना गोलब भाई की जगह भाई मैं तो बदमाशी से सन्यासी ले लेता इतनी गंदी छाप के बाद। मतलब भाई वो तो हिटलर की किस्मत अच्छी थी कि आंटी के टाइम पे पैदा नहीं हुआ वो, नहीं आंटी ने उससे पानी की बाल्टियां भरवाती। भाई आंटी के सामने कोई बोधमासी नहीं भाई, नो बोधमासी इन फ्रंट ऑफ आंटी। बंदा मम्मी इस साइड कुछ कर रहा था, यहाँ से भी कुछ दिख रहा है, तो ये देखो यहाँ से कुछ दिख रहा है मम्मी। बे भाई ये गैंगस्टर चिट्ठी देने आया था, मतलब औरंगजेब का खजाना छुपाने आया था। बे भाई मतलब ये कहाँ बाढ़ रखी तार के अंदर चिट्ठी, मतलब गैंगस्टर ने इतना बड़ा शीशा तोड़ दिया, ये नहीं कि उसके अंदर डाल दूं मैं चिट्ठी, भाई साहब कति थार के बोनट के अंदर फंसा के डाल रखी है। ये कौन सी गैंगस्टर बाजी हो रही है। और आजकल के भाई गैंगस्टर भी इतने खतरनाक हो रहे हैं भाई, स्कूटियों पे भाई चिट्ठियां डालते फिर रहे हैं डाकिये की तरह। ओ किसी ने धमकी भेजी है। भाई मतलब भाई आरआर वालों का भाई ऑस्कर से नॉमिनी वापस लो भाई, वापस लो भाई, इनका डालो वहाँ पे। मतलब ऐसी एक्टिंग देखने को मिलती है आजकल यार, बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड कहीं नहीं मिलती भाई, ये यॉलीवुड पे मिलेगी तुम्हें। यॉलीवुड मतलब यूट्यूब तो यॉलीवुड। दिन में चैनल बंद कर वरना तेरा गेम खत्म। भाई चैनल बंद कर दे नहीं तो तेरा गेम खत्म। क्या खत्म? गेम खत्म। भाई अगर मुझे ऐसी धमकी मिली होती ना भाई, मैं सही बता रहा हूँ 4:45 रातों तक तो भाई मैं सो ही नहीं पाता भाई। मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इस समय गौरव भाई पे क्या बीत रही होगी। हैशटैग तेरा फैन। भाई आंटी को इतना गंदा गुस्सा है, कौन है ऐसा डोन, तो कौन सा डोन पैदा हो गया हमारे सामने। भाई देखो जिस भी गैंगस्टर उर्फ चोर ने हरकत करी है ना भाई, मैं पहले बता रहा हूँ अभी भी टाइम है भाई, माफी मांग लो आंटी से। आंटी ने भी 2 मिनट पहले गुड़गामा के सबसे बड़े बदमाश की बदमाशी काटी है। भाई तुम्हारे तो थापी पीट देगी आंटी, अभी भी टाइम है, सॉरी बोल के रफा दफा करो। ऑफ है और मैं तो समझ नहीं आ रहा भाई हेटर किस बात की है, क्यों है भाई, ना मैं किसी से फालतू बोलता ना कुछ है नहीं। हाँ यार ऐसे मासूम बच्चों के साथ क्यों करते हैं लोग फालतू हरकतें। ये तो बेचारे किसी के साथ कुछ करते भी नहीं है, बस किसी के पैसे मार लेते हैं, किसी के भी घर पे आने की धमकी देते हैं, किसी को गालियां बकते हैं और कुछ नहीं करते भाई। वैसे सबको ठीक है, सीरियस बात है, तुम तो बहुत लाइट ले रहे हो भाई। एक तो पता नहीं भाई मुझे इस बंदे से पता नहीं क्यों चिढ़ होती है, कुछ भी बोलता है तो बैठने में डर रहा हूं तुम्हारे साथ। घर निकल फिर क्यों बैठा है भाई, अभी सीन ऐसा है, अब क्या करना चाहिए, मैंने पूरी टीम को बुलाया अभी तक। अरे माय गॉड भाई अगर मैं गैंगस्टर होता ना भाई, मेरी तो इतनी खतरनाक टीम देख के ना पहले ही पटके 36 हो जाती भाई, मैं तो अपनी चिट्ठी वापस ले लेता भाई। अरे भाई मतलब मौत के सौदागर साथ रवे से भाई, गौरव भाई के साथ। मैं वीडियो डालता रहूंगा, मैं नहीं रुकूंगा, बाकी जो होगा जय श्री राम देखी जाएगी। जय श्री राम। भाई श्री राम भी चाहते कि तू अपना चैनल बंद कर दे। और भाई वैसे मजाक से हटके ना मैं बोलूंगा भाई ये गैंगस्टर की ना गलत बात है भाई, मतलब भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको। 15 दिन में चैनल डिलीट, भाई इतना लंबा समय कौन देता है भाई इसको, 15 घंटे बोलने चाहिए थे। डर लगता है भाई मेरे को साथ बोलने में, धमकी के बाद भाई और डर लग रहा था भाई, तो सेफ नहीं है ना भाई। अबे वो अमावस की रात में भाई इतना डर लगता है तो मत घुमा करना गौरव भाई के साथ। गौरव भाई कहते बैग में भर के ले जाते है क्या साथ में जबरदस्ती, इतनी देर से बैठ के फार्म भरे जा रहा है, डर लगता है डर लगता है, फिर भी घूमना है। तो मम्मी आपको क्या कहना है इस बारे में। भाई आंटी कह रहा है पत्ता गोभी की सब्जी बनाई, खानी है तो नहीं तो घर से निकल। मैं रात को रोकता ही नहीं भाई, कोई लोग क्या करते हैं हाईवे पे रोकते हैं भाई, हाथ देते हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके रास्ते में प्लीज रोका ना करो, रोका मत मानो, क्योंकि क्या आंटी हाथ तो जोड़े नहीं इसने भाई, हमें नहीं पता आंटी हाथ जुड़वाओ इससे, हाथ जोड़ेगा भाई तभी मानेंगे, नहीं तो हम गोलू को रोकेंगे भाई सड़क के बीच में। भाई हमें नहीं पता भाई, हाथ जोड़ भाई, पहले भाई हाथ वाथ जोड़ने पड़ेंगे भाई, ऐसे नहीं भाई। बट अब देखते हैं इस चीज का क्या होगा, इस लेटर का क्या होगा। भाई जो तुमने लेटर की हालत बना दी है ना, अब उसका कुछ हो भी नहीं सकता, अब वो खाली वेंटिलेटर पे जाएगा। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, होप करता हूं वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, फ्री के लंगर बहुत हो गए मेरे चैनल पे भाई, जो फ्री में वीडियो देख के भाग जाते हैं सब्सक्राइब नहीं करते भाई, सब्सक्राइब कर लो इज्जत से। तुम्हारे गरीब भाई स्कूटी पे 2 गैंगस्टर भेजने पड़ेंगे भाई, मुझे लग रहा है जो चिट्ठी में लिखेंगे और पता है क्या लिखेंगे वो चिट्ठी में, सब्सक्राइब कर दो नहीं तो तुम्हारा गेम खत्म है, कर दो भाई नहीं तो गेम खत्म है फिर। ढोल बना दूंगा बचेंगे थपेड़े, न्यू मैं करता नहीं बखेड़े, पर आज जरूरत थी गलत नहीं होने देना सिखावे मेरे गांव के खेड़े, मेरे तैन गवारों की हरकतें ना झिड़की।